अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल नाज़िया डेली रिमाइंडर्स। आज मैं जनाब के साथ आई हूँ गुजराती मेला, जो कि 2 नंबर गांधी मैदान में लगा है। इस मेला के बारे में मैं अपनी फ्रेंड से सुनी थी जब मैं दरभंगा में थी, तो मेरी फ्रेंड ने कॉल पे मुझे बताया था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि यहाँ आऊँगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर जाऊँगी। तो फाइनली आज मैं जनाब के साथ आई हूँ। सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं गांधी मैदान 2 नंबर एंड यहाँ लगा हुआ है, क्या लगा है? और मेरा यहाँ आने का सबसे बड़ा एक रीज़न था, मेरी एक व्यूवर्स ने कमेंट्स किया था कि वहाँ का वीडियो मैं उनके साथ शेयर करूँ। सो मैं आज पहुँच चुकी हूँ गुजराती मेला, जो कि 2 नंबर गांधी मैदान आज़ाद बस्ती मानगो जमशेदपुर में है। और अब मैं आ गई हूँ मेला के अंदर, और यहाँ है शमशाद भाई। शमशाद भाई, बोलिए एक बार। I am standing of Gandhi Maidan. Oh my God. My child. भतीजा नदी। भतीजा मदे। हाय बोलिए बाबू। हाय कर रहा है कर रहा है। मना रहे तुम। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने वक्त के बाद 2 नंबर गांधी मैदान में मेला लगा है, क्योंकि पहले हर ईद में यहाँ मेला लगता था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से यहाँ पर मेला लगना बंद हो गया था। तो फाइनली इतने साल के बाद यहाँ पर मेला लगा है, लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है इस एरिया में इतना बड़ा मेला लगा है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बड़े भी हैं। ये था बाहर में छोटा सा बच्चों के लिए झूला कुछ, और इसके अंदर लगा हुआ है कुछ शॉप है, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। सो गाइज, हम लोग भी आए हुए थे जैसा आपको पता है, और यहाँ पे मिले हैं मेरे बहुत ही पुराने दोस्त, मेरे भाई शमशाद भाई। तो शमशाद भाई, कैसा लग रहा है यहाँ आके? फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है। फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है। 2 नंबर में गांधी मैदान, गांधी मैदान में पहला बार ऐसा नजदीक में मेला लगा है। सीरियसली बहुत पहली बार ऐसा हुआ है, तो हम लोग के लिए नया है ना? बिल्कुल नया है, पहले लगता था छोटा मोटा, फिर मेला जब से बंद हुआ उसके बाद ऐसा कुछ मिला। चलिए, तो ये थे हमारे शमशाद भाई। क्या इधर नाजिया, कितना में? क्या ली नाजिया, क्या ले रही हो, क्या चीज? सब कोई क्या खेल रहे हैं? गेम खेल रहे। क्या है गेम में, बताइए थोड़ा। हाँ,
सिस्टम निकाला जाता है। हाँ हाय बोलेंगे। मार भाई गिरेगा, मार तू। तो नाजिया लिए क्या लिए हो ये? क्या है ये? चलो चलो। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ भी लगभग लगभग डिज्नीलैंड जैसा शॉप आपको मिलेगा। यहाँ भी हर कुछ आपको मिलेगा, हर कुछ का यहाँ पर शॉप लगा है, बच्चों से लेकर बड़ों के लिए। तो अगर आप यहाँ पर लोकल है तो एक बार यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि मेरे आने में ही देर हो गया। मैं दरभंगा में थी तभी ये मेला लगा था, और अब इसमें से कुछ कुछ दुकानें उठ चुकी हैं, और ये शायद 2 से 3 जुलाई तक ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा वीडियो जो मैं आपके साथ यहाँ का शेयर की हूँ। ये मेला अब बस कुछ ही दिन रहेगा, तो अगर आप यहाँ पर लोकल हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें। और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने साल के बाद यहाँ पर फिर से मेला लगना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा यहाँ का वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।